यहाँ के लोगों ने मुझे स्वागत किया, अभिनंदन किया। मेरे जैसे एक साधारण आदमी को आप किया, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, NDA गठबंधन की तरफ से और भारत के 145 करोड़ जनता की तरफ से मैं आभार करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। गठबंधन ने मुझे डिब्रूगढ़ में पहली बार भेजने का काम किया। मैं सरकार के प्रति भी आभार करता हूं। भारत सरकार ने जो बजट पेश किया, हम आसाम में उस बजट का क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में मेरी जो समझ है, मेरा जो अध्ययन है, उस आधार पर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो विभाग मुझको सौंपा है, भारत सरकार ने इस बार अखबारों में, टेलीविज़नों में आप सभी देखा होगा, पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने दो राज्यों पर विशेष ध्यान दिया है, बिहार और आंध्र प्रदेश में। लेकिन भारत के वित्त मंत्री सीतारमन जी ने आप सबों से प्रेस के माध्यम से बताया कि सिर्फ जो में नहीं, पूरे भारत में जितने राज्य हैं उस पर बजट का लोकेशन गया है, खेल के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अन्य मामले में, अन्य विभागों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताया। और आप जानते भी हैं सकता हूं आपसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र को, दुखों को, हर एक स्टेट की समस्याओं के बारे में अवगत होकर के बजट में प्रोविजन किया है। और उस बजट के ध्यान में रखते हुए हर एक राज्य को उसकी समृद्धि के लिए, उसके उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं किया, उसके लिए पैसों का भी प्रोविजन किया। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने बजट में हरेक भारत के हरेक प्रदेशों के बारे में पैसा देने का काम किया है कि वहाँ की जो समस्या है उस समस्याओं को, रोजगार के बारे में, कृषि के बारे में, कल कारखाने के बारे में, ग्रामीण सड़क के बारे में, हरेक विभाग के बारे में जो प्रोविजन किया है उसको भारत सरकार ने कार्य रूप में कि जो हमने बजट में प्रोविजन किया है वहाँ के लोगों की क्या इच्छा है, क्या विचार हुआ, उस विचार को जानने के लिए हम आए हैं। और जो बजट में प्रोविजन हुआ है उसका उपयोग सही ढंग से आप लोग एज ए गार्जियन, एज ए सिपाही बन के खड़े रहिए कि जो पैसे दिए गए हैं उसका सही, भारत सरकार ने निश्चित रूप से, आपने देखा होगा बजट में, सुना होगा कि भारत और नेपाल से बातचीत होने वाली है,
जो भारत नेपाल जो पानी छोड़ता है वो सभी राज्यों में चला जाता है। अभी बाढ़ की वर्षा के समय है, बाढ़ है, देख लीजिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में क्या क्या हो रहे हैं, वहाँ दक्षिण भारत में वायनाड में क्या हुआ। इन समस्याओं को देख करके भारत सरकार निश्चित रूप से कदम उठाएगी कि ये समस्या अगली बार न रहे, न हो, इस पर निश्चित रूप से साल भर में कोई निर्णय लेने का काम भारत सरकार करेगी। सर निश्चित रूप से, निश्चित रूप से जो समस्या आपकी है वही समस्या हमारे बिहार और नेपाल की है। तो चाइना जो बना सरकार को भी सोचेगी, समझेगी और निश्चित रूप से डैम बनाने का काम करेगी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। जी कोनो खबरर बाबे जोगाजोग करक 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।